अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ अवर सोशल स्टडीज़ लेक्चर फॉर क्लास वन। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 13। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पेज नंबर 11 एंड 12 की रीडिंग की थी, और आज के लेक्चर में हम पेज नंबर 13 एंड 14 की रीडिंग करेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। चैप्टर नंबर 4, पार्क्स। यूनिट नंबर 2, प्लेसेस अराउंड मी। पार्क, अ पार्क इज़ अ प्लेस वेयर पीपल गो टू गेट फ्रेश। फ्रेश को हाईलाइट करें, इसका मायने है ताज़ा। एयर, वॉक, जॉग और एक्सरसाइज टू स्टे फिट एंड हेल्दी। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन पार्क्स। चिल्ड्रन इंजॉय को हाईलाइट करें, इसका मायने है लुत्फानंदोज़ होना। राइडिंग, स्विंग्स को हाईलाइट करें, इसका मायने है झूले। पार्क्स आर प्लेसेस वेयर पीपल इंटरेक्ट सोशली। नेक्स्ट पेज, कीपिंग पार्क्स क्लीन। वी मस्ट कीप द पार्क्स क्लीन इफ दे आर डर्टी। डर्टी को हाईलाइट करें, इसका मायने है गंदा। कैन नॉट सिट, वॉक और प्ले देयर। तो इस दोनों पेजेस में हमने पार्क्स के बारे में पढ़ा कि पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग जो है वो फ्रेश होने के लिए जाते हैं, ताज़ा हवा लेने के लिए जाते हैं, वॉक करने के लिए, जॉगिंग वगैरह के लिए वहाँ पे जाके एक्सरसाइजेस करते हैं, ताकि वो अपने आप को फिट और हेल्दी, सेहतमंद रख सकें। और बच्चों को भी पार्क में जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पार्क्स में झूले होते हैं और बच्चे जो हैं वहाँ पे स्विंग्स पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और वहाँ पे लोग जो है वो एक दूसरे से मुलाकात करके एक दूसरे से सोशली जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोगों ने रीडिंग की कि पार्क्स जो हैं हमें उन्हें क्लीन रखना चाहिए, उन्हें गंदा नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आप इस पिक्चर में भी देखें तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है डोंट प्लग द फ्लावर्स, यूज़ मी, ये बिन बनी हुई है और इस पर लिखा हुआ है यूज़ मी, कि हमें वहाँ पे कचरा नहीं फैलाना चाहिए। अगर हम वहाँ पे एज ए पिकनिक भी जाते हैं तो वहाँ पे पिकनिक के दौरान जो भी हमारा मेस होता है उसको हमें बिन में जो है वो वेस्ट करना चाहिए। वहाँ के फ्लावर्स को नहीं तोड़ना चाहिए और वहाँ के इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि एक तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, दूसरा ये कि अगर वहाँ पे गंद होगा, कचरा होगा, तो ना ही हम वहाँ पे बैठ सकते हैं, ना ही वहाँ पे चल फिर सकते हैं और ना ही वहाँ पर खेल सकते हैं। तो आज की रीडिंग हम इन दो पेजेस की ही करेंगे। नाउ टेक आउट योर नोट्स, यूनिट नंबर 2। आप ये देखें यूनिट नंबर 2 के जो नोट्स हैं, ये देखें यूनिट नंबर 2, प्लेसेस अराउंड मी। इसका जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, व्हाट आर पार्क्स। इसी में देखें इसका जो है कॉन्सेप्ट नंबर 2, व्हाई आर पार्क्स इंपॉर्टेंट। पार्क्स जो हैं वो क्यों ज़रूरी हैं, तो मैंने आपको बताया है कि पार्क जो हैं वो इसलिए भी ज़रूरी हैं कि वहाँ पर हम जाके अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकते हैं, वहाँ पे हम मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। बच्चे वहाँ पे जाके स्विंग्स लेके वहाँ पे एक दूसरे के साथ खेल के लुत्फानंदोज़ होते हैं, इंजॉय करते हैं। इसलिए हमें अपने आप को फ्रेश रखने के लिए पार्क्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोगों ने कर लिया, प्लस हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर पार्क्स। पार्क्स आर प्लेसेस वेयर पीपल इंटरेक्ट सोशली। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आपने अपनी नीट कॉपीज में आपकी सोशल स्टडीज़ की नोटबुक्स हैं उसके ऊपर आपने लिखना भी है और इसको आपने याद भी करना है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।